दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी जब भारत के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, न्यू इंडिया का नारा बहुत तेजी से उछला है, लेकिन इस न्यू इंडिया में हो क्या हो रहा है और क्या क्या होगा इस न्यू इंडिया में। एक तो न्यू इंडिया की सरकार ने भारत की संसद के पहले सत्र के पहले ही सप्ताह में एक नया शिगुफा छेड़ा है और इसके लिए जो तत्परता दिखाई है वो बेजोड़ है। ऐसी प्रायोरिटी अगर कहें, प्रायोरिटी में तो भारत में रोजगार होना चाहिए, गरीबी हटाने की बात होनी चाहिए, गैर बराबरी ख़त्म करने की बात होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ स्कीम्स लागू करने की बात होनी चाहिए कि लोग बीमारी में इस तरह तबाह ना हों जैसे मुजफ्फरपुर के गरीब हो रहे हैं। होना चाहिए कि बेहतर शिक्षा इस देश की हो, होना चाहिए कि लोगों में जो इस समय अराजकता सी मची हुई है, आप देखिए पीने के पानी का अकाल पड़ा हुआ है, कई जगह लोगों में आपस में झगड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने जो पहले सप्ताह में अपने पार्लियामेंट सेशन का जो प्रायोरिटी पे रखा मुद्दा और इसके लिए आला आल पार्टी बैठक बुला ली, वो क्या था? वो था एक देश एक चुनाव। अंग्रेजी में ज़्यादा कहते हैं ये लोग, उन्होंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन। अब सवाल इस बात का है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात दिमाग में कहाँ से आई? भाई आपने भारत के संविधान को अगर आपने समझा है, भारत के संविधान निर्माताओं ने कभी भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं सोची। इसके बावजूद कि आज के जो हमारे राजनेता हैं खासकर सत्ता में, उनसे न केवल वो ज़्यादा समझदार थे बल्कि वो दुनिया के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में ज़्यादा जानते थे। देखिए जब संविधान बन रहा था तो उस वक्त हमारे देश के संविधान सभा में लंबी बहस हुई थी निर्वाचन को लेकर कि इलेक्शन कैसे होने चाहिए, क्या उसका प्रावधान होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश की संविधान सभा ने इतने बड़े विद्वानों से भरी हुई, इतने विशेषज्ञों से भरी हुई, उसने वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी नहीं दी। इससे क्या नतीजा निकाला जाए? क्या मौजूदा सत्ताधारी दल को एक देश एक चुनाव के लागू होने से देश का कोई भला हो या ना हो, अपने दल का भला जरूर नजर आ रहा है? क्या यही बात है? क्या उनको लगता है कि सियासी तौर पर यह उनके लिए फायदेमंद है? 19 जून की सर्वदलीय बैठक का राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के जितने प्रमुख दल हैं उन्होंने बहिष्कार किया। कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनके प्रतिनिधि बैठक में नहीं आए। तेलुगु देशम और आम आदमी पार्टी और अन्ना द्रमुक सहित कुछ क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि बैठक में नहीं आए, पर इन तीन दलों ने बैठक के विचारणीय जो विषय थे उस पर अपने अपने नोट पहले ही सरकार को भेजा। वामपंथी दलों ने भी आइडिया का एक तरह से विरोध किया। सर्वदलीय सहमति के बगैर केंद्र सरकार ने बैठक के दौरान इस विषय पर एक विशेषज्ञ राय देने के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है। अब हाई लेवल कमेटी में कौन लोग होंगे इसकी कोई सूचना किसी को नहीं है। समझ में नहीं आता कि सरकार इतनी जल्दी में क्यों है इस विषय पर। वो व्यापक बहस के बगैर पहले ही एक उच्च स्तरीय समिति हाई लेवल कमेटी क्यों बना रही है? अब देखिए इसके लिए सरकार दलील क्या दे रही है वन नेशन वन इलेक्शन अपनी थ्योरी के लिए। उसकी तीन बड़ी दलीलें दोस्तों हैं। पहली बात कि भैया इससे चुनाव खर्च में कमी आएगी। दूसरी क्या है, प्रशासनिक कामकाज जो होगा, विकास का काम, वो बार बार नहीं थमेगा आचार संहिता के नाम पर। और तीसरी बात है काले धन पर अंकुश लगेगा। अब आप यहीं रुक कर सोचिए, ये जो तीन दलीलें दी जा रही हैं, पहली दलील जो खर्च है चुनाव का उसमें कटौती होगी, कैसी बात है? हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के एक्सपेंसेस हैं उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन ईवीएम्स पर कितना खर्च बढ़ेगा? आपको ईवीएम्स पूरे देश के लिए एक साथ चाहिए। अभी क्या होता है कि ईवीएम्स जो होती हैं वो जिन, अगर लोकसभा के इलेक्शन में ईवीएम इस्तेमाल की जा रही हैं तो जब राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, कल्पना कीजिए चार राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए तो वहां पर उनमें से कुछ ईवीएम्स वहां भेज दी जाती हैं। चार के खत्म हो गए, आठ जगह कहीं हो रहे हैं तो आठ जगह भेज दी जाती हैं, लेकिन अब तो आपको पूरे देश के लिए ईवीएम चाहिए और ईवीएम ही नहीं वीवीपैट भी चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए इनका खर्चा कितना आएगा। दूसरी बात,
जो राजनीतिक दल कह रहा है कि इससे खर्च में कटौती आएगी, उसका रिकॉर्ड क्या है? उसका अपना रिकॉर्ड यह है कि इस वक्त भारत में सबसे अधिक चुनाव खर्च करने का रिकॉर्ड जिस पार्टी का है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। जो इलेक्शन बॉन्ड कानून आया, उस इलेक्शन बॉन्ड में 95% धन भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गया, यह भी सामने है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक मामला भी चल रहा है। तो यह कहना कि इसे इलेक्शन में खर्च में भारी कटौती हो जाएगी, यह बिल्कुल सही नहीं है। इसमें कुछ परसेंट सही हो सकता है, लेकिन इसको पूरी तरह सही नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि इससे प्रशासनिक कामकाज जो ठप हो जाता है आचार संहिता के लागू होने से, वो नहीं होगा, विकास का काम हमेशा चलता रहेगा। लेकिन क्या हम सब ने देखा नहीं कि इलेक्शंस के दौरान भी भारत सरकार के अनेक कामकाज चलते रहे? नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रीगण और उनके बड़े अधिकारी कई योजनाओं का ऐलान करते रहे। जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो इलेक्शन कमीशन से ग्रीन सिग्नल मिलता रहा, हरी झंडी मिलती रही कि नहीं साहब, ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। अंतरिक्ष से लेकर अर्थव्यवस्था तक के अनेक फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इलेक्शंस के दौरान उनका ऐलान किया। और दूसरी बात यह है कि भारत की सरकार और सर्वदलीय अगर सहमति बन जाए सबकी कि भाई आचार संहिता में कुछ ही चीजों पर पाबंदी रहेगी, सरकार के जो व्यापक कामकाज हैं जनता के हिसाब से समाज के हिसाब से वो कभी नहीं रुकेंगे। अगर किसी पुल का लोकार्पण होना है, किसी हाईवे का लोकार्पण होना है, उसको नहीं रोका जाएगा। कोई नई ट्रेन चलानी है, नहीं रोका जाएगा। तो आखिर इसमें क्या दिक्कत है? इसके लिए पूरे देश में एक इलेक्शन कराना, एक ही बार इलेक्शन कराना, ये दलील देना, तो ये कोई लॉजिक इसके लिए नहीं है। और तीसरी बात कि काला धन रुक जाएगा इससे। दोस्तों, काला धन तो ऐसी चीज हो गई है कि जिसके लिए बार बार कोई ऐसा कदम उठाया जाता है, पता चला कि कहीं फुंसी कहीं है, फोड़ा कहीं हुआ है शरीर में, और उसका ऑपरेशन के लिए पूरे हृदय को खोल दिया जा रहा है, पूरे हार्ट को खोल दिया जा रहा है। भाई, नोटबंदी किस लिए हुई थी? नोटबंदी का मकसद क्या था? नोटबंदी का मकसद बताया था काला धन को रोकना। बाद में डिजिटल इंडिया होने लगा, काला धन रुका, सारे के सारे नोट चले आए। थोड़ा बहुत हेर फेर अगर देखा जाए, उसको अगर छोड़ दिया जाए, तो सारे के सारे नोट रिजर्व बैंक में आ गए। तो काला धन रोकने के लिए आप एक साथ इलेक्शन कराएं, यह भी बहुत ही हास्यास्पद है। फिर आखिर वजह क्या है? तो दोस्तों, इसका नतीजा यह है कि कहीं ना कहीं दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के है कि हम एक राष्ट्रपति प्रणाली भले न लागू करें, लेकिन उसी तरह से चुनाव को ढाल दिया जाए। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी यही देखा हमने कि लग ही नहीं रहा था कि ये कोई संसदीय प्रणाली के तहत चुनाव हो रहे हैं। चुनाव क्षेत्रों में भी जाकर पार्टी के नेता कहते थे कि आप अपने सांसद को मत देखिए, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी तरफ आप देखिए ही मत, आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की तरफ, वही सब कुछ है। तो जब किसी देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में केवल एक व्यक्ति ही सब कुछ हो जाएगा दोस्तों, तो डेमोक्रेसी का क्या हाल होगा? मुझे याद आ रहा है कि 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भाषण करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस प्रवृत्ति के खतरे की तरफ इशारा किया था देश की जनता का, और कहा था कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि वो पूरे तंत्र पर हावी हो जाए। लेकिन आज वही हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि इससे तानाशाही का खतरा बढ़ता है। तो लोकतंत्र की धज्जियां अगर उड़ाना है तो मुझे लगता है कि उसका एक साथ चुनाव की व्यवस्था से रिश्ता है। पूरे देश में एक साथ चुनाव करने की व्यवस्था से कई तरह के संवैधानिक और प्रशासनिक संकट भी पैदा होंगे। इसकी तरफ मुझे लगता है लोगों का कम ध्यान गया है। सबसे बड़ी मुश्किल होगी कि किसी राज्य या केंद्र में सरकार के असमय गिरने, यानी उसका निर्धारित समय जो है उसके पहले सरकार अगर गिर जाती है, तो उसे नए चुनाव की स्थिति आने तक उस राज्य में या देश में राष्ट्रपति शासन के अधीन रहने को सब कुछ अभिशप्त हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा आघात क्या होगा? संघीय ढांचे पर होगा। राज्यों की हैसियत कम होगी और केंद्र का एकाधिकार बढ़ेगा। इससे देश की राजनीति में जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो खत्म होगी।
प्रांतीय राजनीति में भी क्षेत्रीय महत्व के सवालों की तरजीह कम होगी। इससे क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे और कथित राष्ट्रीय दल अपनी कारपोरेट समर्थित ताकत के साथ उन पर और हावी हो जाएंगे। इसका सीधा असर किसानों, मजदूरों, आम लोगों और यहां तक कि स्थानीय स्तर के नए उभरते उद्योगपतियों पर भी पड़ेगा। यानी कारपोरेट के अंदर भी डाइवर्सिटी के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, यानी कारपोरेट भी एक ही रंग में रंगा होगा। सियासत और सत्ता में समाज के व्यापक हिस्सों का प्रभाव और कम हो जाएगा। इससे सत्ता और शक्ति के विकेंद्रीकरण के बजाय डिसेंट्रलाइजेशन के बजाय सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जो अंततः हमारी विकासशील लोकतांत्रिक व्यवस्था को ऑटोक्रेसी, निरंकुशता और तानाशाही की तरफ ले जाएगी। यही कारण है कि एक देश एक चुनाव का ये प्रस्ताव हमारे जैसे विशाल देश और उसके लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। ये राष्ट्रवाद का एक मायावी मुहावरा रचता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।